चंपानेर गुजरात में बड़ौदा से 21 मील लगभग 19.2 की नी और गोधरा से 25 मील लगभग 40 की नी की दूरी पर स्थित है। यह गुजरात की मध्ययुगीन राजधानी थी। चंपानेर, जिसका मूल नाम चंपानगर या चंपानेर भी था, की जगह वर्तमान समय में पावागढ़ नामक नगर बसा हुआ है। यहाँ से चंपानेर रोड स्टेशन 12 मील लगभग 19.2 नी है। इस नगर को जैन धर्म ग्रंथों में तीर्थ स्थल माना गया है। जैन ग्रंथ तीर्थमाला चैत्यवदंत में चंपानेर का नामोल्लेख है। चंपानेरक धर्मचक्र मथुरायोध्या प्रतिष्ठान के पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर बना कालिका माता मंदिर पावन स्थल माना जाता है। पहाड़ी पर बना यह काली मंदिर बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने उसकी स्थापना की थी। इन्हीं ऋषि के नाम से इस पहाड़ी से निकलने वाली नदी विश्वामित्री कहलाती है। महद्जी सिंधिया ने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी। चंपानेर तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजों में से होकर जाना पड़ता है। यहाँ वर्ष पर्यंत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रोवर द्वारा बहुत ध्यान दिया गया है, जिन्होंने काफी समय व प्रयास किए हैं इस शहर को पुनर्स्थापित व सुधार करने हेतु। साथ ही इस भारतीय विरासत के पुनर्स्थापन में काफी योगदान भी दिया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में अनेकों स्मारक स्थित है, जिनमें से 38 स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दायरे में लिया गया है। सर्वेक्षण में धरोहर का संरक्षण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। पहाड़ी पर एक दुर्ग भी था, जिसे पवनगढ़ या पावागढ़ कहते थे। यह दुर्ग अब नष्ट हो गया है, पर वहां प्राचीन महाकाली का मंदिर आज भी विद्यमान है। चंपानेर की पहाड़ी समुद्र तल से 2800 फुट ऊंची है। इसका संबंध ऋषि विक्रमादित्य से बताया जाता है। चंपानेर का संस्थापक गुजरात नरेश वनराज का चंपा नामक मंत्री था। चांद बरौत नामक गुजराती लेखक के अनुसार 11वीं शती में गुजरात के शासक भीमदेव के समय में चंपानेर का राजा मामगौड़ द्वार था। 1300 में चौहानों ने चंपानेर पर अधिकार कर लिया। 1484 में महमूद बेगड़ा ने इस नगरी पर आक्रमण किया और वीर राजपूतों ने विवश होकर अपने प्राण शत्रु से लड़ते लड़ते गवा दिए। रावल पतई जय सिंह और उसका मंत्री दूरवर्सी पकड़े गए और इस्लाम स्वीकार न करने पर मुस्लिम आक्रांताओं ने 17 नवंबर 1484 में उनका वध कर दिया। इस प्रकार चंपानेर के 184 वर्ष के प्राचीन राजपूत राज्य की समाप्ति। जामी मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सार्वजनिक मस्जिद, चंपानेर गुजरात राज्य, पश्चिमी भारत में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और वहां के 114 स्मारकों में से एक है, जिसे बड़ौदा हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। यह लगभग 150 फीट 46 मीट शहर की दीवारों के पूर्व जहदनपिंड पूर्वी द्वार के पास स्थित है। इसमें प्रागैतिहासिक चेकोलिथिक स्थल, एक प्राचीन हिंदू राज्य की राजधानी का एक महल व किला व के गुजरात प्रदेश की राजधानी के अवशेष हैं। यहाँ अन्य पदानकों सहित किले, प्रासाद, धार्मिक इमारतें, आवासीय अहाते, कृषि चिन्ह व जलापूर्ति निर्माण कार्य के 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के अनेक स्थल हैं।